बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 20। बच्चों अब लेक्चर नंबर 20 में मैं आपको जो कॉन्सेप्ट डिलीवर करने जा रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट तकरीबन पूरे सीए में ही यूज होगा ऑलमोस्ट, और वो है अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स। अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स, गौर से मेरी बात सुनिएगा। हमने अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट लिया, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, समराइज करना, प्रेजेंट करना, इंटरप्रेट करना, ये अकाउंटिंग कहलाती है। बुक में आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन जरूर पढ़ लेनी है, पता चले अकाउंटिंग सीख ली, कोई पूछे अकाउंटिंग क्या होती है तो हम कहें यार वो डेफिनेशन तो नहीं पढ़ी। रिकॉर्ड करना, समराइज करना, प्रेजेंट करना और इंटरप्रेट करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। बिजनेस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, उसकी समराइजेशन, उसकी प्रेजेंटेशन और उसकी इंटरप्रिटेशन। रिकॉर्डिंग सिखा दी आपको जर्नल में, समराइजिंग सिखा दिया आपको ट्रायल बैलेंस में, प्रेजेंट करना सिखा दिया इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में, इंटरप्रिटेशन इंशाल्लाह सिखाऊंगा FAR 2 में, कुछ टच FR 1 में दूंगा जब रेशियो एनालिसिस करवाऊंगा, और बाकी टच जो है इंटरप्रिटेशन का वो इंशाल्लाह FAR 2 में। अब बेटा अकाउंटिंग में आपने मेरे साथ एक्सपेंस गो थ्रू किया और दूसरा कॉन्सेप्ट इनकम कह दें, अदर इनकम को हटा दें, बस इनकम बोल देते हैं इनकम का। जब कभी हम एक्सपेंस पे करते थे बेटा, हम कहते थे रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, और जब कभी इनकम रिसीव करते थे कहते थे कैश डेबिट अदर इनकम या इनकम क्रेडिट, यही कहते थे ना दोस्तों। अच्छा अब यहां पर मैं एक पार्टीशन करने लगा, पहले मैं आपको सिखाऊंगा सारा एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट और फिर मैं आपको सिखाऊंगा इनकम का कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में सुनने वाली बातें ज्यादा हैं, बहुत लेंथी क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन उन सुनने में इतनी टेक्निकलिटीज हैं कि आपने चीजों को रिटेन करना है मेरे दोस्तों। हम एक्सपेंस पे करते हैं, उससे पहले हम एक्सपेंस इनकर करते हैं, उससे पहले हम एक्सपेंस और एक्सपेंस इनकर करने से पहले हम किसी से सर्विस लेते हैं, हम किसी से सर्विस लेते हैं। मसलन मैं कह रहा हूं रेंट एक्सपेंस, अगर ये राइस की बिल्डिंग रेंट पर है तो मैंने ऑनर से बिल्डिंग सर्विसेज ली, मैंने उसकी बिल्डिंग इस्तेमाल की, ठीक है भाई, इसे कहते हैं सर्विस लेना। अच्छा हम वापडा का बिल पे करते हैं तो पहले वापडा से बिजली की सर्विस लेते हैं, हम PTCL का बिल पे करते हैं पहले PTCL से नेटवर्क सर्विसेज लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है बिजनेस कोई सर्विस लेता है अपने ऑपरेशंस की रनिंग के लिए, जैसे ही वो सर्विस लेता है हम कहते हैं एक्सपेंस इनकर हो गया। एक्सपेंस क्या हो गया? इनकर हो गया। फिर हम उस एक्सपेंस के लिए क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। क्लियर? अभी तक मैंने आपको यह सिखाया कि जितनी हम सर्विस साल में लेते हैं उतनी ही हम साल में पेमेंट कर देते हैं, जितनी हम साल में सर्विस लेते हैं उतनी ही पेमेंट कर देते हैं। सर्विस लेना एक्सपेंस इनकर करना, सर्विस लेना एक्सपेंस इनकर करना। तो एक है एक्सपेंस इनकर करना और एक है एक्सपेंस पे करना। अभी तक के हमारे क्वेश्चंस में जितना हम इनकर कर रहे हैं उतना ही हम पे कर रहे हैं, लेकिन हमेशा स्टोरी इतनी सिंपल नहीं होगी।
अब दो और केस आने लगे। पहला केस क्या आने लगा, मैंने सर्विस ज्यादा ली और पेमेंट कम की। इसका मतलब जब ईयर एंड आया तो कुछ पैसे पे करना बाकी हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपेंस, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ पैसे पे करना बाकी है। इसका मतलब है साल के एंड में मैंने सर्विस ज्यादा ली और पेमेंट कम की। जितनी पेमेंट कम की उसकी सर्विस मैं ले चुका। अगर मैं सर्विस ले चुका और पैसे नहीं दिए तो साल के एंड में कहेंगे एक्सपेंस पेएबल। क्या कहेंगे? एक्सपेंस पेएबल। अब दूसरी तरफ आ जाता हूं, ऐसा भी होगा कि मैं पेमेंट ज्यादा कर दूंगा, पेमेंट ज्यादा कर दूंगा और अभी मैंने उतनी सर्विस नहीं ली होगी, इसे कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। इसे क्या कहेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। अभी लिखे मत, सब लिखवाऊंगा। तो इसका मतलब तीन केस हुए। पहला केस वेरी सिंपल, जितनी सर्विस ली उतनी पेमेंट की। और ये केस 19 क्लासेस में जो एक्सपेंस का लेजर हमने बनाया हम कर चुके। जितनी सर्विस लेते थे उतनी पेमेंट करते थे, ये अजम्पशन से हम चल रहे थे। जैसी सर्विस ली साथ ही पैसे दे दिए, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, मेरे साथ रहना। पूरे साल में पेमेंट करता रहा, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। आखिरी दिन 5 बजे लेजर को क्लोज कर दिया, उसके क्लोजिंग बैलेंस को उठाया ट्रायल बैलेंस में ले गया। ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे चला गया। ट्रायल बैलेंस की डेबिट से उठाया और इनकम स्टेटमेंट में जीपी में से जाके माइनस कर दिया। ये एक एक्सपेंस था और इनकम स्टेटमेंट में इसकी जगह थी, ये अपनी जगह चला गया। साल के आखिरी दिन कुछ पेएबल नहीं था और साल के आखिरी दिन कुछ प्रीपेड भी नहीं था। आज के लेक्चर ने एक नया टिल्ड दिया इस कॉन्सेप्ट को, और वो टिल्ड क्या है कि एक्सपेंस इनकर होना कुछ और है और एक्सपेंस पे होना कुछ और है। अगर हमने सर्विस ज्यादा ले ली और पैसे कम दिए तो एक्सपेंस पेएबल। कब? साल के आखिरी दिन। अब मेरी बात सुनिएगा, जो कुछ हम सर्विस रिसीव करते हैं उसे कहते हैं एक्सपेंस इनकर। इनकम स्टेटमेंट में हमेशा एक्सपेंस इनकर जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में हमेशा एक्सपेंस इनकर जाएगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज की जगह मौजूद है। साल के आखिरी दिन जो एक्सपेंस पेएबल होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा एज अ लायबिलिटी, क्योंकि कुछ ही वीक या कुछ ही दिनों के बाद पे करना है। तो नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अब इधर आ जाए, हमने जितना एक्सपेंस इनकर किया वो इनकम स्टेटमेंट में जीपी में से लेस हो जाएगा, एक्सपेंस चार्ज हो गया। पैसे ज्यादा दिए हुए, सर्विस कम ली हुई है, इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंस, इसका मतलब प्रीपेड एक्सपेंस। जो एक्सपेंस इनकर किया वो चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट में और जीपी में से माइनस हो जाएगा। मेरे कुछ पैसे इन लोगों के पास जा चुके हैं, ये है सर्विस प्रोवाइडर। मेरा पैसा किसी के पास पड़ा हो तो एसेट या लायबिलिटी, एसेट। एसेट की जगह है बैलेंस शीट। कुछ ही दिनों में मैं इनसे सर्विस ले लूंगा तो नॉन करंट एसेट या करंट एसेट? एक और बच्चा गलती करता है, वो भी सुन लो, एक्सपेंस पेएबल। अच्छा याद रखा करें किस जगह खड़े होकर कौन सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ये मैं इंटेंशनली मूव कर रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। कैश बुक इधर बना रहा था, बैंक स्टेटमेंट इधर, पेएबल इधर कर रहा हूं और प्रीपेड के लिए इधर जाता हूं। अब ध्यान से, इसलिए जब मैं यहां के बोला करूं तो बोला करें यहां एक्सपेंस पेएबल, एक्सपेंस पेएबल। अब यहां बच्चे क्या कहते हैं, उधर तुमने पेएबल कह दिया, इधर तुम रिसीवेबल कह दो। नहीं, क्यों? सुन ले,
जो कुछ मैं प्रीपेड देता हूं उसके बदले फ्यूचर में मुझे पैसे नहीं मिल सकते। सर्विस प्रोवाइडर कहेगा सर्विस ले लो, सर्विस प्रोवाइडर क्या कहेगा सर्विस ले लो, इसलिए क्या वर्ड बोलना है प्रीपेड एक्सपेंस। तो कितनी स्टोरीज बनी, तीन कहानियां बनी। वेरी सिंपल वन, जितनी सर्विस ली उतना एक्सपेंस इनकर किया, जितना इनकर किया उतना पे कर दिया। सर्विस ज्यादा ली, एक्सपेंस इनकर, एक्सपेंस इनकर। भाई सर्विस लेना और एक्सपेंस इनकर करना एक ही बात के दो नाम है। सर्विस ज्यादा ली, एक्सपेंस इनकर, पेमेंट एक्सपेंस। शाबाश, जो बोलेगा उसका कॉन्सेप्ट खुद ही क्लास में बन जाएगा, उसे घर जाके करने की कुछ जरूरत नहीं है। जो यहां कहते हैं नहीं अंसारी यार अपनी अल्फाज तो मेट्रो ट्रेन या मेट्रो बस या बाथरूम सिंगर हूं मैं, वो भाई वो वहां तो गाएगा लेकिन यहां चुप बैठेगा, तो आपने यहां बोलना है। ठीक है मेरे बच्चों, इधर चलते हैं। जितनी सर्विस ली उतना एक्सपेंस इनकर किया, एक्सपेंस कम इनकर किया पैसे ज्यादा दिए, जो पैसे ज्यादा दिए वो प्रीपेड एक्सपेंस है। इनकम स्टेटमेंट में हमेशा एक्सपेंस इनकर जाएगा। ओके अभी क्वेश्चन तुमसे पूछने लगा अलर्ट, कैश बुक में क्या जाएगा? हां जितना कैश दिया होगा। अब ये तीन जुमले बनेंगे। इनकम स्टेटमेंट में वो जाएगा जो एक्सपेंस इनकर किया, कैश बुक में वो जाएगा जो पे किया, बैलेंस शीट में वो जाएगा जो पेबल है या प्रीपेड है। क्लियर? यस सर। दोबारा बोल ले, कैश बुक में क्या जाएगा पेड, बस छोटा छोटा सा जुमला पेड। इनकम स्टेटमेंट इनकम, बैलेंस शीट पेबल स्लैश प्रीपेड। क्लियर है कॉन्सेप्ट? पक्का? आप सुनिएगा, स्टूडेंट लाइफ हो, 8-10-15 लोग किसी रेस्टोरेंट में स्टूडेंट्स चले जाएं, मसलन इसकी बर्थडे है, इसकी एंगेजमेंट है, इसकी एंगेजमेंट करवाते हैं यार, बर्थडे तो होती रहती है, अपने दोस्त की है एंगेजमेंट। अब इसने फंक्शन फैमिली में कर लिया, हम सबको इसने दावत पे बुलाया, हम सारे 40-50-100 लोग एक रेस्टोरेंट में चले गए, बुंदू खान चले गए या गौरमे रेस्टोरेंट चले गए। अब इतने लोगों को बिठा लिया, ठीक है, अब वेटर ऑर्डर ले रहा है। स्टूडेंट में इस लाइफ में लोग शक भी बहुत करते हैं। अब उस बेचारे को क्या शक है, खा के भाग ना जाए, लेकिन उनका रूल है पहले खिलाते हैं बाद में बेल लेते हैं। ओके अच्छा, हजरत जी ने पहले साल की सारी सैलरी लगा दी एंगेजमेंट पे, खैर जेब में 8-10 हजार लेके गए, लेकिन माशाल्लाह जितना ये खाने वाले हैं 8-10 हजार का पता कहां चलना था। ठीक है, बिल बन गया 28,000। ठीक है, पहले ये निकला फिर ये निकला, फिर मैंने कहा मैं नमाज पढ़ के आता हूं, मैं भी निकल गया, एंड में ये बेचारा रह गया। अब वो सारे वेटर्स इकट्ठे यूं देख रहे थे, यूं देख रहे इधर मैनेजर खड़ा हुआ है, ये कह रहा है यार इधर के इधर कोर्ट किधर गए पैसे, 8,000 है। इसने कहा भाई ये 8,000 ले लो, बाकी मैं बाद में दे दूंगा, बाकी मैं, इसका मतलब गौर से सुनिएगा। अनफॉर्चुनेटली उस रेस्टोरेंट की पॉलिसी थी एरियर्स में पैसे लेना। किस में पैसे लेना? अब एरियर्स का मतलब क्या होता है? बकाया जात। अब गौर से सुनना, ये रेस्टोरेंट पहले सर्विस दे रहा है बाद में पैसे ले रहा है। अब हमारे हिसाब से हम पहले सर्विस ले रहे हैं बाद में पैसे दे रहे हैं, इस केस में पेबल का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा या प्रीपेड का? प्रीपेड का हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब जब कभी पहले सर्विस लेंगे बाद में पैसे देंगे पेबल का चांस बनेगा। ओके अब इधर आ जाए, गोरा जब पाकिस्तान में आया उसे पहले ही पता था कि हम पाकिस्तानी कैसे हैं, इसलिए KFC मैकडॉनल्ड इन पर पहले पैसे दे दिए पैसे। अब एक घंटा भी इंतजार करवाएंगे तो मैं हिलने वाला नहीं हूं,
थोड़ी देर के बाद KFC की मशीन हो गई खराब, मैं पैसे दे चुका, सर्विस नहीं ली। अब वो कहेंगे कल आप आ जाइएगा और ये अपनी सर्विस ले लीजिएगा। अब कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? अब प्रीपेड में सुनना, पहले एडवांस पेमेंट कर रहा हूं, बाद में सर्विस ले रहा हूं, क्या पेबल का कॉन्सेप्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। तो अभी दो रूल हुए, अगर एरियर्स की स्टोरी है तो पेबल, और अगर एडवांस की स्टोरी है तो प्रीपेड। डन? yes, समझ आ रही? yes, स्पीड तेज हो? no, बोलने के अंदाज से पता ही नहीं चल रहा कि क्या बोले जा रहा है, बस सुने जा रहे हैं। no, दिमाग में बैठ रही है? ठीक yes, है भाई। जी मेरे दोस्त, अभी मुझे बोलने दो जरा। अच्छा ना, टीचर को ना बोलने की एक होड़क होती है, टीचर जहां भी बैठता है ना बोलना शुरू कर देता है। और एक पूरे FR1 में भी, FR2 में भी इंशाल्लाह अगर मुलाकात हुई, जब तक पहले लेक्चर किसी भी टॉपिक का पहला लेक्चर टीचर बोल बोल के थक ना जाए, हमने उससे पूछना कुछ नहीं। उसकी रीजन, इंशाल्लाह लेक्चर प्लान ही ऐसे होता है कि आपके जहनों से उठने वाले क्वेश्चन 20-22 साल में हमारे दिमागों में बैठ गए। हमें पता होता है कि हमने ये लाजमी बोलना है क्योंकि यहां से सवाल बच्चे के जहन में आएगा। क्लियर? अब बच्चों कितनी स्टोरीज हैं? सर जी बड़ी स्टोरीज हैं सर, लेकिन अभी हम तीन की बात कर रहे हैं। एक कौन सी स्टोरी? जितनी सर्विस उतने पैसे। दूसरी स्टोरी, सर्विस ज्यादा पेमेंट कम। तीसरी स्टोरी, सर्विस कम पेमेंट ज्यादा। यहां तक क्लियर? अब मैं बनाऊंगा तीन लेजर। कितने लेजर? तीन लेजर। आज पूरे हो गए तो आज, नहीं तो बाकी कल करेंगे। ठीक है, जब बिजनेस शुरू नहीं हुए थे ना तो बार्डर सिस्टम चलता था, इनकी जरूरत की चीज मेरे पास, मेरी जरूरत की चीज इनके पास। फिर इंसान को समझ आई, यार मेरी जरूरत कम है, इसकी जरूरत ज्यादा है, क्यों ना मैं जो एक्स्ट्रा है उससे फायदा उठाऊं। फिर बिजनेस शुरू हुए। शुरू में बिजनेस जब शुरू हुए तो उधार का कॉन्सेप्ट नहीं था, सब कुछ नकद था, नकद खरीद नकद फरोख्त। उस जमाने में जो अकाउंटिंग हुआ करती थी उसे कहते थे कैश बेस्ड अकाउंटिंग। क्या कहते थे? कैश बेस्ड अकाउंटिंग कहती थी, ट्रांजैक्शन उस वक्त रिकॉर्ड करो जब उससे रिलेटेड कैश आया या कैश गया। क्रेडिट परचेजेस का जमाना नहीं था, क्रेडिट सेल्स का जमाना नहीं था, एक्सपेंस पेबल का जमाना नहीं था, प्रीपेड एक्सपेंस का जमाना नहीं था। कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे नहीं होती थी, सारी नकद नकद नकद। उसे कहते थे कैश बेस्ड अकाउंटिंग। हेडिंग बनाओ, अकाउंटिंग को सेंटर में रखो। भाई मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, परेशान नहीं होना। अकाउंटिंग को सेंटर में रखो, और अभी थोड़ी देर बाद AC बंद कर देंगे, ये भी परेशान नहीं होना, जरा माहौल पढ़ाने वाला हो जाए जरा। मैंने वो फुटबॉल के मैच की एग्जांपल दी थी, शदीद यूरोप में सर्दी हो, फुटबॉल का मैच हो रहा हो तो जितने तमाशाई होते हैं उनके मुंह से धुआं निकल रहा होता है, तीन तीन चार चार जैकेट्स पहननी होती हैं, लेकिन जो फुटबॉलर होता है उसने शॉर्ट पहना होता है, शॉर्ट कहते हैं ना। हाँ, अब दो डिफरेंट लोग और जगह सेम, ऐसे ही मैं और आप होते हैं। हम क्योंकि खेल रहे होते हैं ना टीचर, तो हमारी एनर्जी कैलोरीज कंज्यूम हो रही होती हैं, वी नीड सम इजी एनवायरनमेंट। और जब AC बंद होते हैं ना तो हमारी जो बोलने की वजह से ब्रेन की वर्किंग होती है वो हमें डिस्टर्ब करती है। तो ये थोड़ा सा मार्जिन आपको टीचर को देना पड़ेगा, खासकर मेरे जैसे BP के मरीज को, कभी AC ऑन करूं, थोड़ी सी ठंड हो तो माफ कर दिया करें प्लीज। ठीक है, अकाउंटिंग कितनी तरह की अकाउंटिंग? दो, एक कैश बेस्ड अकाउंटिंग और दूसरी अक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग। कैश बेस्ड अकाउंटिंग, और दूसरी अक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग।
लिखो बच्चों कैश बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है, बल्कि यहां लिखा हुआ है, पढ़े बेटा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़े, इंशाल्लाह समझ में आएगा। अभी अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नहीं पढ़ना, क्लियर है भाई? Yes, कुछ पूछना तो नहीं। अब अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग पढ़े, जब उधार नहीं होता था सब, जब पेमेंट आएगी तब भी, मतलब जी पेमेंट आएगी इसका मतलब उसी वक्त परचेज रिकॉर्ड करूंगा। मसलन मैंने गुड्स किसी को पकड़ाई है तो ट्रांजैक्शन कब होगी, जब वो पैसे लेकर आएगा, ठीक है। इसका मतलब यही है कि वो पैसे लेकर आया तो मैंने उसे गुड्स दी है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होगी, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर परफॉर्म्ड नो मैटर व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। इसलिए तो क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं, हालांकि गुड्स आई हैं, पैसे तो अभी गए नहीं है, पैसे तो नहीं दिए, लेकिन मैं परचेज रिकॉर्ड कर लूंगा। अब कस्टमर को उधार पर सेल की, पैसे तो नहीं आए हैं लेकिन मैं सेल्स रिकॉर्ड कर लूंगा। इनकम रिकॉर्ड करूंगा जब वो अर्न हो जाएगी, और एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा जब वो इनकर हो जाएगा, पेड नहीं, जब वो इनकर। और कैश बेस्ड अकाउंटिंग क्या कहती थी, इनकम रिकॉर्ड करूंगा जब पैसे आएंगे और एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा जब पैसे जाएंगे। मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट ने कंपटीशन के इंटेंसिफाइड होने की वजह से सोचने का अंदाज बदल दिया, और आज की मॉडर्न एनवायरमेंट किस पे चलती है। अच्छा बताएं, जो 19 लेक्चर हमने अभी तक रिकॉर्ड किए, अदर देन एक्सपेंस एंड इनकम हम कौन सी अकाउंटिंग लेके चले, अक्रूवल बेस्ड। इसलिए तो क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, एसेट का उधार पे खरीदना सारा हमने रिकॉर्ड किया, लोन लेना भी रिकॉर्ड किया। अब हम एक्सपेंस और इनकम को भी किस पैरामीटर में लेके जाने लगे, अक्रूवल बेस्ड अकाउंटिंग। यहां तक क्लियर है? हेडिंग बनाएं रेंट एक्सपेंस अकाउंट केस वन, पहले हेडिंग बनाएं केस वन, केस वन। केस वन, इन केस वन लिखिए, इन केस वन भाई थोड़ी सी गिरने का डर होता है। इन केस वन सर्विसेज टेकन सर्विसेज टेकन ब्रैकेट में लिखें एक्सपेंस इनकर विल बी इक्वल टू पेमेंट मेड। सर्विस टेकन बराबर होगी पेमेंट के, इसका मतलब साल के आखिरी दिन इनकम स्टेटमेंट में जाने के लिए कुछ होगा भाई, इसी का तो नाम कॉन्सेप्ट है। मेरे जुमले से आपने कॉन्सेप्ट को नहीं लेके चलना,
जो कुछ मैंने सर्विस ली वो एक्सपेंस इनकर है और इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस इनकर जाता है। आप सुने, इस केस में आखिरी दिन बैलेंस शीट में जाने के लिए एक्सपेंस पेबल बल्कि एक्सपेंस प्रीपेड भी नहीं होगा। बस ऐसे रहना है अलर्ट। ये नहीं मैं बोल के फारिग हो गया, गलत तुमने लिख लिया बाद में, मैंने कहा बच्चों गलत लिखा, अच्छा कोई बात नहीं हम सारी चेंज कर लेते। ऐसे नहीं, मेरे बोलने से पहले आप अलर्ट हो चुके हो गलत बोल रहा है, ये ट्रैप कर रहे हैं हमें, पकड़ लो अंसारी को। ठीक है भाई, शाबाश, गुड। लिखे, इन केस वन सर्विस टेकन एक्सपेंस इनकर विल बी इक्वल टू पेमेंट मेड। इन दिस केस एक्सपेंस इनकर्ड विल बी ट्रीटेड, एक्सपेंस इनकर्ड विल बी ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड विल बी डिडक्टेड फ्रॉम जी भाई कहां से डिडक्ट होगा, जी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम जीपी, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम जीपी। वो जो जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं उनमें ये शामिल हो जाएगा जो भी एक्सपेंस होगा। और इनकम स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया था जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो लेस होते हैं। आगे लिखिए, इन दिस केस, बेटा पेंसिल ना करें, इन दिस केस देयर विल बी नो एक्सपेंस पेबल, देयर विल बी बोले नो एक्सपेंस पेबल स्लैश, जी भाई स्लैश नो प्रीपेड एक्सपेंस, नो प्रीपेड एक्सपेंस। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब बोर्ड पे देखें, ये केस वन में आपने फॉर्मेट बनाना है, कहां बनाना है? जो कुछ मैंने लिखवाया है मैं उसको लेजर की शक्ल में शो करने लगा हूं ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। मैंने पहला रेंट पे किया लेट से 31/3/20 को, रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 2000 अज्यूम कर रहा हूं। फिर मैंने 30/6/20 को पे किया रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 2000। फिर मैंने 30/9/20 को पे किया रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। फिर मैंने 31/12/20 को पे किया रेंट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। ओके भाई क्लियर? अब मैं इसको क्लोज करने लगा, कौन सी साइड बिगर है? डेबिट कितना? 8000 मेरे साथ रहना, इधर भी बैलेंस सीडी 8000। ओके डेट बताएं 31/12/20, क्वेश्चन साइलेंट हो तो ये क्लोजिंग डेट होती है। अब ध्यान से, ये फिगर्स कहां गई? ये कैश बुक में, यहां बैंक भी आ सकता है कैश भी आ सकता है, ये कहां गई? और कैश बुक बनाना हमने सीख लिया। ठीक, लेजर क्लोज हो गया, ये इसका डेबिट क्लोजिंग क्रेडिट क्लोजिंग, डेबिट क्लोजिंग एक्सपेंस का हमेशा डेबिट क्लोजिंग होता है। यहां तक ओके? अब ट्रायल बैलेंस बनेगी और ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जाएगा। ट्रायल बैलेंस से मैंने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और रेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की आइटम है तो ये जाकर इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। पहले जाएगा ट्रायल बैलेंस में, वहां से जाएगा इनकम स्टेटमेंट से जाएगा लेस फ्रॉम जीपी, लेस फ्रॉम जीपी। ओके मुझे इसमें बताएं एक्सपेंस पेबल कितना? कोई नहीं, प्रीपेड एक्सपेंस कोई नहीं। अब जो लिखा है ये उसको सपोर्ट कर रहा है कि जो लिखा है वो प्रैक्टिकली ऐसे नजर आएगा। क्लियर? कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए, शाबाश।
स्पीड तेज हो तो फौरन बताने, सर आज स्पीड कोई तेज है किसी दिन भी। रुपी लिखते हैं, ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है, दोनों तरफ रुपी लिखा जाता है। वो तो मैं शुरू में क्योंकि समझा रहा था कि डेबिट होता है क्रेडिट होता है, इसलिए मैं साइड पे डेबिट क्रेडिट लिख रहा था। जी मेरे दोस्तों, मैंने पहले दिन बताया था मैं पढ़ाऊंगा स्लोली, आप नोट डाउन करेंगे फास्टली, फिर काम चलेगा बेटा, ठीक है? पता चले मैं स्लो तो मेरे से भी स्लो, ठीक है? कोर्स भी काफी है ना फॉर वन का, इसलिए हमने बड़े तरीके से स्मार्ट टीचिंग स्मार्ट लर्निंग करनी है। मैंने स्मार्ट टीचिंग करनी है, आपने स्मार्ट लर्निंग करनी है, फिर इंशाल्लाह कोई इशू नहीं, अल्लाह ने चाह। यहां तक हो गया भाई? अब मेरी स्टोरी सुनिएगा। अब मैं केस टू पे जाने लगा, मुझे उम्मीद है कि काफी बच्चों को पता है केस टू में क्या होगा। हम सर्विस लेंगे, सर्विसेज टेकन, और उसे कहेंगे एक्सपेंस इनकर्ड, व्हाट एवर वी विल पे दैट विल बी द पार्ट ऑफ कैश बुक, ठीक है? एट द एंड ऑफ द ईयर टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, इफ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एरियर कॉन्सेप्ट, दिस मीन्स वी हैव टेकन मोर सर्विसेज बट वी हैव पेड लेस, एज अ एंड रिजल्ट देयर विल बी अ एक्सपेंस पेएबल। क्लियर? अब केस टू, केस टू, आप वाला पॉइंट आने लगा एरियर्स का भाई। केस टू, इन दिस स्टाइल, इन दिस स्टाइल, इन दिस स्टाइल, फर्स्ट बिजनेस विल रिसीव सर्विसेज, फर्स्ट बिजनेस विल रिसीव सर्विसेज, देन विल पे, देन विल पे, देन विल पे टू द सर्विस प्रोवाइडर। बिजनेस पहले क्या लेगा? सर्विस लेगा, बाद में सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट करेगा। ब्रैकेट में लिखें, ब्रैकेट में लिखना है इन एरियर्स स्टाइल, इन लिखें पहले एरियर्स स्टाइल, व्हाट डू मीन बाय दिस? पहले सर्विस लूंगा बाद में पैसे दूंगा, तो इसको कहते हैं एरियर्स स्टाइल, ठीक है? आगे लिखे, देर इज अ पॉसिबिलिटी, देर इज अ पॉसिबिलिटी, एक बात बड़ी अच्छी है, अल्लाह ने पता नहीं किसकी दुआ लगाई भी है, लोग कहते हैं बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे बैचेस में जितने बच्चे मिलते हैं बहुत अच्छे होते हैं, तुम भी बहुत अच्छे बच्चे हो, कोई ऐसा तुम्हें मामला नहीं है कि बंदा कहे यार मैं कहाँ आ गया, बहुत अच्छे बच्चे हो, शाबाश, बिगड़ना नहीं है। लाहौर की हवा बड़ी जालिम है यार, मार के रख देती है, यकीन करें। तो जो बच्चे दूसरे शहरों से आए हैं उन्होंने लाहौर की हवाओं में गुम नहीं होना, अपनी जो तरबियत माशाल्लाह पेरेंट्स ने करके भेजी भी है, अल्लाह हमें भी तरबियत करने की आपकी तौफीक दे, हमने मिलकर दीन वाले माहौल को लेके चलना है इंशाल्लाह। शाबाश बेटा, बहुत खुशी होती है आप लोगों को देख के। कहाँ तक पहुंचे? देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मासूम बच्चे बातें नहीं, हम लाहौरी है ना, सिर्फ खाने के लिए जिंदा रहते हैं, यकीन करो अगर हमें अच्छा खाना मिल जाए ना तो हम जमीन पर बैठ के रेडी पे खड़े होके खा लेंगे, और अच्छा खाना ना हो तो लाहौरिये भूखे उठ जाते हैं। हम लाहौरियों की जिंदगी में एक ही चीज़ है, इसलिए तो हम लाहौर वाले कभी जोड़ नहीं सकते। आप देखें जो प्योर लाहौर से बिलोंग करते हैं ना, उनके पास कोई जायदादें इतनी ज्यादा नहीं है, सारी जिंदगी खाते खाते, दो बंदे होंगे डेढ़ किलो कढ़ाई बना दे भाई,
और माशाल्लाह पूरी कढ़ाई खा के उठ भी जाते हैं, इसलिए तो गर्दने भी तगड़ी गर्दने हैं। चलो मेरे बच्चों, इन दिस क्या लिखा, देर इज अ पॉसिबिलिटी डेट एट द ईयर एंड, देर इज अ पॉसिबिलिटी डेट एट ईयर एंड बिजनेस हैज टेकन मोर सर्विसेस, बिजनेस हैज टेकन मोर सर्विसेस बट हैज पेड लेस अमाउंट, बट हैज पेड लेस अमाउंट। एज अ रिजल्ट some expense is still payable known as expense payable ब्रैकेट में लिखें करंट लायबिलिटी टू बी शोन इन बैलेंस शीट। अब मैं तीन वर्ड बोलने लगा, हेलो, अब मैं तीन वर्ड बोलने लगा बेटा, प्लीज तीन वर्ड बोलने लगा, तीन वर्ड बोलूंगा और आगे उनकी डेस्टिनेशन बोलूंगा, तीन वर्ड बोलूंगा और आगे उनकी डेस्टिनेशन बोलूंगा। पहला वर्ड लिखें एक्सपेंस इनकर्ड INCUR एक्सपेंस इनकर, ब्रैकेट में लिखें सर्विसेज टेकन बताएं जी इसकी जगह, इनकम स्टेटमेंट लिखें इनकम स्टेटमेंट एज अ एक्सपेंस, इसकी जगह इनकम स्टेटमेंट है एज अ एक्सपेंस, और एक्सपेंस कहां से लेस होगा, फ्रॉम जीपी बातें नहीं प्लीज शाबाश। नंबर टू एक्सपेंस पेड कहां जाएगा, कैश बुक में। अब जो इसके आगे लिखवाने लगाऊं ना, ये अभी लिख लेना, अभी समझाऊंगा, आगे लिखे विल बी अपीयर्ड इन ट्रायल बैलेंस। ये किसके मुतालिक लिखवाया है, अब लास्ट एक्सपेंस पेएबल, ब्रैकेट में लिखें एट ईयर एंड कहां जाएगा, बैलेंस शीट में एज अ करंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट में एज अ करंट लायबिलिटी। अब एक दफा पढ़ो जो मैंने लिखवाया है, फिर मैं आपको इसके लेजर की तरफ लेके जाऊंगा ताकि आप देख सकें कि लेजर में कैसे शो होगा। एक्सपेंस पेबल एट ईयर एंड ये बैलेंस शीट में जाएगा एज अ करंट लायबिलिटी। जरा रीड करें, सब बच्चे रीड करें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी रीड कीजिए प्लीज। जी भाई हो गया, हम गौर तलब बात है, जरा अटेंटिव हो जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली अटेंटिव होना पड़ेगा क्योंकि बात जरा थोड़ी सी तिक्खी है, बात थोड़ी सी तिक्खी है, ठीक है भाई, ध्यान से। और एक बात याद रखना, टीचर जो कॉन्सेप्ट पहली दफा पढ़ाता है ना, उसमें जो वो अपनी एनर्जी पुट कर रहा होता है ना, क्रॉस क्वेश्चनिंग में वो बात नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा।
जब टीचर बनोगे, जब इसे ऑब्जर्व करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, जो तुम अपने स्टूडेंट को पहली दफा बताने की कोशिश कर रहे होंगे ना, उनके दिमागों में उतरने की कोशिश कर रहे होंगे, वो दूसरी दफा एफर्ट नहीं होती। ठीक है, ये था केस वन। ठीक है, केस वन केस टू में कोई बात कॉमन नहीं? केस वन में तो पेबल है ही नहीं, कॉमन दोनों में हो, पेड पेड ये सामने आ रहा है, देखो उसमें भी लिखवाया पेड, इसमें भी पेड लिखवाया। ठीक है, यहां इनकर और पेड सेम है और टू में सेम नहीं है। अब गौर से सुनिएगा, समटाइम टीचर कोई बात समझाने के लिए पूरे कोर्स में कुछ जुमले फिक्स कर लेता है ताकि बच्चों के जहन में वो बात बैठ जाए। मैंने आपको कहा है लेजर कब क्लोज होते हैं? आखिरी दिन शाम 5 बजे। और ट्रायल कब बनती है? आखिरी दिन शाम 5 बजे। ओके, क्लियर? इन भाई को कब पता चला था कि भाई पेबल है अभी कुछ बिल? 5 बजे के बाद पता चलेगा, आखिरी मोमेंट पे, जब सारे वेटर्स आकर खड़े हो गए, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में चमचा और किसी के हाथ में जो है वो चाकू, अब ये कह रहा है भाई पैसे दे दूंगा। अब मैसेज करके पता नहीं किसे बता रहा होगा, डेफिनेटली उसे ही बता रहा होगा जिसमें सारे पैसे लगे, कि अच्छी तेरी मंगनी मुझे पड़ी है अल्लाह की बंदी के, इतने पैसे मेरे लग गए। सर जी मुस्कुरा रहे हैं आप। आप सुनो बच्चों, अब गौर से बात सुने भाई, ये शाम 5 बजे तक की स्टोरी है। शाम याद रखिएगा, 5 बजे जब लेजर क्लोज होता है और ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट होता है, उस लेजर में सिर्फ पेड होता है, उसमें सिर्फ क्या होता है? पेड। इसलिए देखें केस टू में मैंने लिखवाया, क्या लिखवाया? कि ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंस पेड आएगा। अब जरा ट्रायल बैलेंस से पीछे आओ तो लेजर का क्लोजिंग बैलेंस होगा, होगा, और उसके पीछे क्या होगी? पेमेंट होगी। तो इसका मतलब कंक्लूड हो गया कि 5 बजे तक, पूरे साल आखिरी दिन 5 बजे तक एक्सपेंस के अकाउंट में से क्या लिखा जाता है? पेड लिखा जाता है। लिखा गया। अब ये क्लोज हो गया, क्लोज होकर ट्रायल बैलेंस में चला गया। अब ट्रायल बैलेंस में लिखा आ रहा है रेंट डेबिट पे कितना, ये पेड है इनकर्ड है या पेबल? ये पेड है, नजर आ रहा है ये पेड है भाई, यहां तक क्लियर? अब हमारे केस टू में चांस है कि पेड कम होगा और इनकर्ड ज्यादा होगा, और वो इनकर्ड अभी यहां से नजर नहीं आ रहा, और साल के आखिरी दिन कुछ पेबल भी होगा, वो भी यहां से नजर नहीं आ रहा। जब केस टू सामने आया तो अकाउंटिंग के रूल बनाने वालों ने हमें कहा कि अब हम तुम्हें एक्सपेंस लेजर बनाना सिखाएंगे एडवांस वर्जन में। किसमें? एडवांस वर्जन में। हम इसमें कुछ और टॉपिंग करेंगे। जब भी पिज्जा ऑर्डर करते हैं क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा टॉपिंग कर दी यार, यार पिछली दफा भी चिकन नहीं डाला था। हर दफा हर बंदे का यही जुमला होता है जब ऑर्डर करो, पिछली दफा सही नहीं आया था, आज चिकन बहुत ज्यादा, चिकन ही चिकन होना चाहिए, डबल रोटी नीचे की चाय हटा दी। ठीक है, अल्लाह हम लाहौरियों के हाल पे रहम करे, हमारे देख के तुम भी वैसे ही हो गए। एक चिकन है, उसे इतना मारा कि हर जगह चिकन ही चिकन है। वो बड़ा शवारमा जो होता है ना, इतना बड़ा शवारमा जो 40 रुपए का मिलता है, चेक कर लेना हलाल है या नहीं है। वो लिखा था वाकई बड़ा शवारमा, हम भी मजे से खा रहे होते हैं, पता नहीं जिंदा भी है या। चलो अल्लाह हमें सही खाने की तौफीक दे जो हलाल हो। चलो मेरे दोस्तों, इसका मतलब अकाउंटिंग वालों ने कहा यार अंसारी, पहले दिन से लेके आखिरी दिन 5 बजे तक क्या कर लो? लेजर बना लो, और उसमें क्या लिख दो? सारा पेड लिख दो। लेजर क्लोज भी कर लो, ट्रायल बैलेंस भी बना लो। मैंने कहा यार फिर तो ट्रायल में पेड जाएगा, ट्रायल में पेड़। अच्छा इसमें बात जरा टाइम ज्यादा लगेगा, परेशान ना होना यार, एक बात को इतनी दफा बोल रहा है क्या हो गया इसे? क्योंकि ये क्रंच है इस टॉपिक का, आज समझ में आ गया तो अगले 3-4 दिन सुकून.com।
इसको अज्यूम कर लेते हैं ये ट्रायल बैलेंस है, अज्यूम ही करना है ना। ये है डेबिट और ये है क्रेडिट कॉलम, ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे होगा। वो सामने देखो, वो सामने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बननी है। मेरे साथ रहना, क्या बननी है? इनकम स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस से चीजें उठती हैं, कहां जाती हैं? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और मैंने तुम्हें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब सिखाया तो बताया कि कुछ आइटम इनसाइड द ट्रायल होती हैं और कुछ आउटसाइड द ट्रायल होती हैं। और अभी तक एक चीज हमें पता है, क्लोजिंग स्टॉक वो ट्रायल बैलेंस का पार्ट नहीं होता, आउटसाइड द ट्रायल है। लेकिन जब इनकम स्टेटमेंट में जाना है तो इनकम स्टेटमेंट में उसे लेके जाना है। तो फिर कंक्लूड ये हुआ कि ट्रायल बैलेंस की आइटम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होती, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस भी कुछ चीजें होती हैं जिनकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है। ये बात क्लियर है? ये है पेड और ये ट्रायल में है। जो इनकर्ड है वो आउटसाइड द ट्रायल है, जो क्लोजिंग पेएबल है आउटसाइड द ट्रायल है। वो दोनों फिगर 5 बजे के बाद पता चलेंगी। इसका मतलब इनकर्ड और पेएबल आउटसाइड द ट्रायल है और ट्रायल में क्या है? पेड है। क्लियर? अब इनकम स्टेटमेंट वहां से इशारा कर रही है, क्या कह रही है? जीपी बन गया है, एक्सपेंस भेजो एक एक करके, एक्सपेंस भेजो एक एक करके। नंबर आया रेंट का, रेंट का नंबर आ गया। मेरे जैसा अनाड़ी आदमी, उसने रेंट एक्सपेंस को लिया, ट्रायल में कितना है? 8,000। क्या जा रहा है? रेंट कितना? 8,000। मैंने कहा ये लो, सामने चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ है, उसने कहा ये क्या? मैंने कहा पेड। कहते हैं भाई इनकम स्टेटमेंट पेंसिल ना कर यार, इनकम स्टेटमेंट में पेड नहीं जाना होता, इनकम स्टेटमेंट में तो इनकर जाना होता है। मैंने कहा वो तो ट्रायल में है ही नहीं। कहते हैं लाओ ढूंढ के। फिर किसी ने कहा ओहो अल्लाह के बंदे, कुछ चीजें आउटसाइड द ट्रायल होती हैं, इनकर्ड वो रखा हुआ है। कहा रखा हुआ? वो रखा हुआ है, निकाल लिया। क्या? इनकर्ड आउटसाइड द। अब मैं इसे लेकर गया, यस हो जाएगा? यस हो जाएगा, मैंने इनकर्ड दे दिया, ठीक है। ट्रायल में नहीं है, आउटसाइड द ट्रायल है। अच्छा अब बैलेंस शीट बनना शुरू हो गई, कैपिटल बना, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी की बारी आई, बैलेंस शीट आवाज लगा रही है, ओ भाई करंट लाइबिलिटी भेजो। मैंने क्रेडिटर भेज दिए, मैंने बैंक ओडी भेज दिया। उसने कहा एक्सपेंस पेएबल भेजो। मैंने कहा ट्रायल में तो है ही नहीं। कहते हैं नीचे देखो कहीं पड़ा होगा आउटसाइड द ट्रायल। मैंने अब क्या उठाया? एक्सपेंस पेएबल, और जाके किसे दिया? बैलेंस शीट को दे दिया। क्लियर? अब जब ये कहानी हुई तो मेरा बाजू थक गया, बार बार नीचे झुक के उठाओ चीजें। मैंने कहा भाई ये काम नहीं है, इसी लेजर को अपडेट करो, एडवांस करो, कि ये मुझे पेड भी बताए, ये मुझे इनकर भी बताए, और ये मुझे पेबल भी बताए। कुछ लोग ग्रुप की शक्ल में, वफ्त की शक्ल में डायलॉग करने गए उस ताबूत वाले के पास, वो ताबूत में है ना। अब हमने उसे कहा, वो कहते हो ये अल्लाह के बंदो, फला बंदे को मैं बताकर आया था, उससे पूछ लो। और वो इस शक्ल में हमारे पास मौजूद है, 15वीं सदी से ये चला आ रहा है। अब ये हमें क्या बताएगा? इनकर्ड भी और पेएबल भी, और पेड तो हमारे पास पहले ही है ट्रायल में। ओके चलो मेरे दोस्त, यहां तक क्लियर? कुछ बातें और सुननी है। मैंने क्लोजिंग एंट्रीज बताई थी आपको? नहीं बताई थी। अब गौर से सुनना, ये है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में सेल्स कहां होती है? क्रेडिट पे। क्लास का टाइम क्या है? आज के लिए इतना ही बच्चों, कल इंशाल्लाह यहीं से आगे चलेंगे ताकि कॉन्सेप्ट जो है आगे बढ़ा सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।